अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे मेरे सामने इस टाइम पे टू पैकेट्स पड़े हुए हैं और इन पैकेट्स में इन एक्चुअल बुक्स हैं। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं किप्स एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, यानी कि किप्स जो एजुकेशन सिस्टम है उनकी स्पेशल बुक्स हैं ये, यानी कि किप्स की तरफ से ये वाली बुक्स जो हैं बच्चों को रिकमेंड की जाती हैं, इनफैक्ट बच्चों को दी जाती हैं, और ये बुक्स मैंने खरीदी हैं किप्स से। तो गाइस, आपको ये तो पता ही होगा कि लाहौर में या डिफरेंट जगहों पे किप्स के इतने कैंपसेस हैं, इवन न्यू कैंपसेस भी स्टार्ट हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नारवाल में, मुजफ्फराबाद में, हरिपुर में स्टार्ट हुए हैं, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू कैंपसेस जो स्टार्ट हुए हैं उनके यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा कैंपसेस हैं, रावलपिंडी, पेशावर और साहिवाल, सरगोधा, सियालकोट, ये आप देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा इनके कैंपसेस हैं। और अगर मैं आपको ये प्राइस बताऊं तो ये देखिए, ये इनकी बुक्स हैं और ये इनकी प्राइसेस हैं, एंड टोटल अमाउंट है 4,500 रुपीज। तो गाइस, ये बुक्स जो हैं ये मैंने आज ही परचेज की हैं, और अब मैं आपको ये ओपन करके पार्सल्स दिखा देती हूँ। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 बुक्स का एक सेट है। ये वाला जो है ये 3 बुक्स का एक सेट है, एंड ये सेकेंड सेट जो है ये भी आप देख सकते हैं इंग्लिश, ये जो प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस बुक, एंड ये इंग्लिश एसेंशियल वर्ड पावर, यानी कि आपको पता ही होगा कि जब हम कुछ टेस्ट इस टाइप के देते हैं, फॉर एग्जांपल एंट्री टेस्ट हो गया या कोई सिलेक्शन टेस्ट हमें देना हो, तो वहाँ पे इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम अपनी नॉर्मल रूटीन में नहीं यूज़ करते और हमें उसका नहीं पता होता है या बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो कैसे वर्ड्स होंगे। तो इसमें आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छी मिल सकती है। इवन आपको जो किप्स के राइटर्स हैं, इन बुक्स के राइटर्स, उन्होंने बहुत अच्छे वर्ड्स जो हैं वो सेलेक्ट किए हुए हैं पास पेपर से ढूंढ ढूंढ कर। उनकी 6 मंथ्स की ये मेहनत होती है एक बुक, इवन कई सालों की मेहनत के बाद वो ये सारा कुछ प्रिपेयर करते हैं। और ये न्यूली एडेड लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की भी एक बुक है जो कि आप यहाँ पे इसमें देखेंगे अभी। तो मैं आपके सामने इनको अनबॉक्स करती हूँ, इन दोनों को, दोनों पैकेट को। गाइस, आप इनकी ये जो पैकेट है ना उसको भी देख सकते हैं, उन्होंने इतनी अच्छी पैकिंग की हुई है इसकी कि ये पैकेट आते आते फटे ना, ये इतना अच्छा उन्होंने इसका ये वाला यूज किया हुआ है कवर। ओके, देन मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। कि मैं यहाँ से ओपन कर रही हूँ इसको, ये देखिए इन्होंने कितना अच्छा ये यूज़ किया हुआ है कवर। ये आप इसकी क्वालिटी चेक करिए ज़रा, ये फटा नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए, मैंने एक साइड से इसे ओपन किया है, अब यहाँ से भी देखिए इसी तरह मैं इनको ओपन करूँगी सबको। ये देखिएगा अभी, ये देखिएगा, ये देखिए, नेशनल इंडिकेट एसेंशियल और। ओके गाइस, सबसे पहले तो मैं इन बुक्स को देखती हूँ, ये 4 बुक्स हैं टोटल। ये आप देख सकते हैं नेशनल इंडिकेट एसेंशियल वर्ड पावर, 208 वर्ड्स, एंड ये आप यहाँ से सारी प्लीज खुद ही रीड आउट कर लीजिएगा। ओके, मैंने ये जूम करके आपको
दिखाती है करीब करके, अब मैं इसको ओपन करके देखती हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, अच्छे से देख सकते हैं, एडिटर नेम, रिव्यूअर, चीफ एडिटर, चीफ कोऑर्डिनेटर, सुपर वीएन एंड कोऑर्डिनेटर, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं इनके नेम्स वगैरह। एंड ये वोकैबुलरी वर्ड्स ये देखिए। ओके गाइस, मैं आपको एक दफा ये ओवरव्यू देखती हूँ, दे देती हूँ। ये देखिए, कीज भी उन्होंने साथ में दी हुई हैं, ये एमसीक्यूज़ भी साथ में दिए हुए हैं। ये मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ। और ये सारी बुक जो है ये वोकैबुलरी पे है, यानी ये टोटल बुक आपकी वोकैबुलरी को बेटर करने के लिए है, ताकि आप वोकैबुलरी वाले जो तमाम एमसीक्यूज़ हैं उनको ईजिली अटेम्प्ट कर सकें। ओके इसके बाद है ये इंग्लिश नेशनल एमडीकैट एज पर पीएमसी सिलेबस, यानी कि पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये वाली बुक है। आप इसके अंदर सारा कंटेंट की पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से ये भी, ये ग्रामर के लिए है, ये जो सारी बुक है ना इसमें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं वो बेहतर होंगी इसको पढ़ने से। आपके टीचर्स जो हैं, किप्स के टीचर्स, जहाँ जहाँ कैंपसेस हैं किप्स के टीचर्स ये पढ़ाते हैं बच्चों को, और जो बच्चे हैं वो इन बुक्स पे पढ़ते हैं। जब तक बुक्स नहीं थी टीचर्स बहुत मेहनत से ये सारा काम बोर्ड्स पे करवाते थे, अब बुक्स मिली हैं तो इंशाल्लाह ताला बच्चों को बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो सकती हैं। ये देखिए, ये भी नेशनल एमडीकैट एज पर पीएमसी सिलेबस। अब ये देखिए, ये था सारा का सारा, ये बुक जो है ना ये है सिलेबस पे, यानी कि यहाँ से आपको सारी इन्फो मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, ये टेक्स्ट बुक है। और यहाँ पे प्रैक्टिसेस के लिए हैं, ये आप देख सकते हैं 1500 प्रैक्टिस एमसीक्यूज, प्री असेसमेंट एंड ये टॉपिक फाइल्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड एक्सेट्रा, ये आप देख सकते हैं ये। और इसमें अब मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखिए जरा, ये सारी जो है आपके एमसीक्यूज़ पे बेस करती है, ये आप देख रहे होंगे इसे आपके प्रोफेशन के लिए ये वो। एंड ये है लॉजिकल रीजनिंग की, न्यूली एड न्यूली एडिड लॉजिकल रीजनिंग। अब आप इसमें भी इसका कंटेंट देखिए, टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक्स, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव प्रैक्टिस मटेरियल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद आंसर कीज, प्री असेसमेंट टेक्स्ट, टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड पोस्ट असेसमेंट टेस्ट एक्सेट्रा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये देखिए, ओके गाइस, तो मैं इसी तरह से सेकंड पैक को भी अनबॉक्स करूंगी, अभी देखिएगा आप। ये है हमारा सेकंड पार्सल भी अनबॉक्स हो चुका है, और इसमें ये जो बुक्स हैं, ये सबसे पहले तो बस मैं आपको बुक्स के बारे में तो बता चुकी हूँ ना कि ये कैसी बुक्स हैं, तो मैं आपको जल्दी जल्दी इनकी डिटेल्स बता देती हूँ। ये यहाँ से आप डिटेल्स तो पढ़ लीजिए ना प्लीज़। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एमसीक्यूज़ के बारे में नहीं कुछ भी लिखा हुआ। सो ये जो है ये सारी आपके सिलेबस पे है, इसका सारा कॉन्टेंट इस बुक का आपके सिलेबस पे है। और इसी तरह से ये बायोलॉजी की बुक आ रही है, ये भी सारी आपके सिलेबस पे है, ये देखिए ये सारी भी सिलेबस पे है। ओके गाइस, तो ये वाली बायोलॉजी की बुक है, इसके साथ अब यहाँ पर आती है केमिस्ट्री की बुक,
कंटेंट्स आप प्लीज़ देख लीजिए। बोलिए यहाँ पे मैं बार बार ये सेम चीज़ें नहीं रीड आउट कर रही, ये भी सिलेबस बेस्ड बुक है, ये सारी सिलेबस पे बेस्ड करती है, यानी कि राइटर्स ने जो हमें पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक तैयार करके दी है पढ़ने के लिए ये बुक। अब यहाँ पर हैं एमसीक्यूज़, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये कंटेंट्स लिखे हैं, ये आप काइंडली रीड आउट कर लीजिएगा। तो ये टोटल हमारे पास हर सब्जेक्ट की 2 बुक्स हैं, एक बुक जो है वो हमारे पढ़ने के लिए रीड आउट करने के लिए, और ये की सारी बुक जो है ये हमारे प्रिपरेशन बेस्ड है, एमसीक्यूज़ बेस्ड है। और अगर आप ये एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लें तो ऑनेस्टली टू से आप ज़रूर सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपको इन एमसीक्यूज़ को लास्ट में सॉल्व करना चाहिए, समझ कर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर ज़रूर इनको सॉल्व कर सकेंगे। और ये लास्ट हमारी बुक है, ये है बायोलॉजी की, ये देखिए इसके 1942 प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं, ये देखिए सर आप। तो ये गाइस देखिएगा, बायोलॉजी की 2 बुक हैं, एक प्रिपरेशन बुक है और एक टेस्ट बुक है। इसी के साथ साथ यहाँ फिजिक्स की 2 बुक्स हैं, एक आपके सिलेबस की और एक आपके टेस्ट की। इसी के साथ साथ केमिस्ट्री की 2 बुक्स हैं ये, और जो हमारी दूसरी बुक हैं मैं आपको एक दफा वो भी दिखा दूँ, ये देखिएगा लॉजिकल रीजनिंग, ये इंग्लिश की बुक, एक तो ये है, एक ये है और एक ये वोकैबुलरी की बुक। तो गाइस ये आपके पास सामने है कि 10 बुक्स, अगर इन 10 बुक्स को इन चंद दिनों में आप अच्छे से पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी जो है वो आपके मुकद्दर में होगी। लेकिन फिर भी कामयाबी और नाकामी तो सारा कुछ अल्लाह ताला के हाथ में होता है, कुछ आपकी किस्मत होती है, कुछ आपकी मेहनत होती है, लेकिन ये बात आप कभी नहीं सोचिएगा कि आपने मेहनत नहीं अच्छे से की, आप मेहनत करें। ज़हानत जो है, ज़हानत पे हमेशा मेहनत उबूर आ जाती है, अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपके सामने कोई बच्चा बहुत ज़हीन भी है तो फिर भी आपकी मेहनत जो है वो आपको कामयाबी दे सकती है, क्योंकि ज़हीन बच्चा अक्सर एरोगेंट हो जाता है, और जो मेहनती बच्चा होता है, जो ज़हीन इतना नहीं होता, वो एक एहसास कमतरी का शिकार होता है, उसके अंदर इतनी एरोगेंस नहीं होती, गुरूर नहीं होता, वो मगरूर नहीं होता बिल्कुल भी। तो एरोगेंस जो है, गुरूर का सर तो हमेशा नीचे ही होता है, लेकिन प्लीज़ आप लोग अपना दिल नहीं हारिएगा। और आप मेरे लास्ट वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने 2 बुक्स ऑर्डर की, आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको किप्स अच्छा लगा तो काइंडली आप ज़रूर किप्स को विज़िट करिए, आप जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाएं, उनकी बुक्स लें, वहाँ पे स्टडी करें, आपको बहुत अच्छे टीचर्स प्रोवाइड होंगे, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, और इंशाल्लाह ताला आप बहुत एग्री होंगे मेरी बात से। सो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे किसी और स्टोरी के साथ, किसी और चीज़ के साथ, किसी और पार्सल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।